खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर और अयोध्या दौरा है, तो गोरखपुर में खिचड़ी मेला का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी और गोरखपुर में मेला का शुभारंभ करने के बाद पहुंचेंगे अयोध्या। तो सीएम योगी हनुमानगढ़ी रामलला का दर्शन पूजन करेंगे, लता मंगेशकर चौक के पास सफाई अभियान का शुभारंभ करेंगे। 14 जनवरी से 21 जनवरी तक चलेगा ये सफाई अभियान। सीएम योगी डिजिटल टूरिस्ट ऐप को भी लॉन्च करेंगे, तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बहुत ही कम समय बचा है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, 22 जनवरी जब प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और ऐसे में तमाम तैयारियां की जा रही हैं। गोरखपुर में खिचड़ी मेला का शुभारंभ भी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे, तमाम तैयारियां वहां पर देखेंगे, निरीक्षण करते नजर आएंगे और लता मंगेशकर चौक में सफाई अभियान का भी शुभारंभ करेंगे। तो कई कार्यक्रम आज उनके रहेंगे। तो दो जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर और अयोध्या, जहां गोरखपुर में खिचड़ी मेला में शामिल होंगे और गोरखपुर में मेला का शुभारंभ करने के बाद अयोध्या पहुंचेंगे, जहां लता मंगेशकर चौक में सफाई अभियान का शुभारंभ करेंगे। तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तमाम तैयारियां हालांकि पूरी की जा चुकी हैं और लगातार निरीक्षण कर रहे हैं सीएम योगी, ताकि किसी भी प्रकार की कोई चूक, किसी भी प्रकार की कोई कमी वहां पर दर्शन करने आने वाले दर्शनार्थियों को ना हो। तो तमाम तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि इस दिन का साक्षी बनने के लिए सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है। चाहे हम छोटे से छोटे और बड़े से बड़े की बात करें, तो सभी लोगों को यहां पर आमंत्रित किया गया, हर एक के घर निमंत्रण पहुंचाया गया है। और इस पर विस्तार से जानकारी के साथ घनश्याम निशान चौरसिया हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, तो घनश्याम से जान लेते हैं। घनश्याम, सीएम योगी आदित्यनाथ का दो जिलों का दौरा आज रहेगा, गोरखपुर और अयोध्या, क्या कुछ खास इस दौरान? बिल्कुल, आज तीसरा दिन है गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का। आज वो सुबह 11 बजे अयोध्या चले आएंगे, रामनगरी अयोध्या में उनके कई कार्यक्रम हैं। उसके बाद वो लगभग 2:30 बजे वापस फिर लखनऊ आ जाएंगे, लखनऊ में भी उनके कार्यक्रम है। अगर देखा जाए तो आज कई कार्यक्रम है। सुबह योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले उठ करके वो पूजा अर्चना की और पूजा अर्चना करने के बाद खिचड़ी मेला जो विश्व प्रसिद्ध खिचड़ी मेला गोरखनाथ मंदिर में लगता है, वहां पे उन्होंने खिचड़ी प्रसाद बांटा लोगों के बीच में, खिचड़ियां खाई और तमाम जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मेला में प्रतिभाग करने, मेला घूमने आए थे गोरखनाथ मंदिर में, उन लोगों से मुलाकात की, उन लोगों को चॉकलेट और खूब सारे चॉकलेट्स दी, उनको लाड़ प्यार किया, दुलार किया। अब जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, थोड़ा सा सिग्नल, थोड़ा एयर ट्रैफिक जाम के चलते, एयरवेज जो जाम के चलते थोड़ी सी समस्या आ रही है हेलीकॉप्टर उड़ने में। अभी 11 बजे का वक्त था, थोड़ा सा वक्त लग रहा है उनको यहाँ पे आने पे, यहाँ पे लगभग तकरीबन 3.5 घंटे का उनको वक्त देना है रामनगरी में। रामनगरी में अगर बात करें तो सुबह 11 बजे वो आकर के सबसे पहले रामलला और हनुमानगढ़ी का जो जहां पे प्राण प्रतिष्ठा, वहां पे पूजा अर्चना करेंगे और पूजा अर्चना करने के बाद वो लता मंगेशकर चौक में सफाई अभियान, एक हफ्ते तक सफाई अभियान चलने जा रहा है, यानी आज से लेकर के 21 जनवरी तक सफाई अभियान पूरे प्रदेश भर में चल रहा है, जहां पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो संगठन के लोग हैं, चाहे वो सरकार के लोग हैं, वो तमाम जो लोग हैं वो श्रमदान करेंगे, वहां पे सफाई अभियान का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पे 11 बजे लगभग में वो जब वहां पे पहुंचेंगे तो जो अयोध्या के वो चौक पे, लता मंगेशकर चौक पे वहां पे श्रमदान करके वहां का सफाई अभियान का शुभारंभ करेंगे। उसके बाद वहीं से वो चले जाएंगे, बगल में ही है, थोड़ी सी दूरी पे है बस स्टैंड, बस स्टैंड पे तकरीबन 200 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाएंगे, चूंकि आज पहले 50 ही इलेक्ट्रिक बसें चलाने का प्रावधान था, स्ट्रेटेजी बनी थी कि इससे 50 इलेक्ट्रिक बस चले, लेकिन चूंकि टूरिस्ट लगातार बढ़ रहे हैं और अगर इन टूरिस्टों की अगर बात करें तो लगातार 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होना है, उसके बावजूद उसके पहले, चूंकि 22 तारीख को 21 तारीख से पूरी तरीके से ग्रीन सिक्योरिटी जोन में आ जाएगा पूरी तरीके से अयोध्या, अयोध्या के आसपास चारों तरफ के जो जिले हैं, तो ऐसे में वहां पे एंट्री कर पाना, वहां पे पहुंच पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सिक्योरिटी पर्पज के तौर पर पूरी तरीके से वहां पे तैयारियां जो की जा रही है, उसमें आम जनमानस को वहां पे आने के लिए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या दौरे पे थे लोगों से गुजारिश की थी, गुहार लगाया था कि 22 तारीख के बाद अयोध्या आए, तो उस
उसके दृष्टिगत अगर देखा जाए तो अब वहां पे उसके पहले जो राम भक्त है वो चाहते हैं कि रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हो तो उस वक्त को अपने आप के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में वहां पे जो भीड़ है, एक दिन में अगर देखिए, अगर सिर्फ आंकड़ों की बात करें तो जो हनुमानगढ़ी है 5000 से 7000 फुटप्रिंट मिलते थे, यानी 5 से 7 हजार लोग दर्शन पूजन करते थे। आज के वक्त में अगर देखा जाए तो संभवतः लगभग अगर आंकड़े देखा जाए 60 से 65 हजार लोग हर दिन जो है पूजा अर्चना करने के लिए, दर्शन करने के लिए हनुमानगढ़ी जा रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो लगातार लोगों की भीड़ बढ़ रही है। तो ऐसे में जो 50 इलेक्ट्रिक बसों का वहां पे आवागमन शुरू होना था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों के द्वारा, अब उसको बढ़ा करके 200 कर दिया गया है। उसके बाद ई टूरिस्ट ऐप का भी लॉन्चिंग करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और उसके बाद ई टूरिस्ट ऐप के लॉन्चिंग के बाद वो सबसे बड़ी समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं, क्योंकि अब महज कुछ ही दिन बाकी है। 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, 16 तारीख से जो है वहां पे प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के जो पूजन है वो शुरू हो जाएगा, चूंकि प्रायश्चित पूजन तमाम ऐसे पूजन होने हैं जो प्राण प्रतिष्ठा के पास पहले होता है, तो वो पूरी विधि विधान से जो पूजा अर्चना 16 तारीख से शुरू हो जाएगी। तो 16 तारीख से यानी महज 2 दिन का आज और कल का वक्त है सरकार के पास, या फिर चाहे ट्रस्ट के पास, या फिर चाहे वहां पे प्रशासनिक अमलों के पास। उसके बाद 22 तारीख को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश दुनिया के तमाम लोग वहां पे मौजूद होंगे, वहां पे आएंगे। तो ऐसे में देखा जाए प्रियंका जी, तो बहुत कम वक्त है, तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक करेंगे, प्रशासनिक अमलों के साथ अलग बैठक करेंगे, जो श्रीराम राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास है उनके साथ अलग बैठक करेंगे कि क्या कुछ तैयारियां हैं, जो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के प्रशासनिक अमला है उनसे ये देखेंगे, सिक्योरिटी के अलावा जो वहां पे तैयारियां की जा रही है, जो वहां पे रास्ते बनाए जा रहे हैं, जहां वहां पर ठहरने की जो व्यवस्थाएं हैं, वहां पे सिक्योरिटी पर्पज से अगर देखा जाए तो जो लोग पहले से यहां पे हैं उनको देखा जाए, क्योंकि सिक्योरिटी मामले में कई तरीके के, चूंकि राम मंदिर मामला 500 सालों का एक बड़ा मामला है, तो ऐसे में सिक्योरिटी पर्पस से बहुत संवेदनशील अयोध्या रहता है। पहले देखा हम लोगों ने 3-4 साल पहले ही हम लोगों ने तस्वीरें देखी कि जब 6 दिसंबर आती थी तो पूरा सिर्फ अयोध्या नहीं पूरे यूपी में जो है सिक्योरिटी लगा दी जाती थी, पूरा धारा 144 लागू कर दी जाती थी, कर्फ्यू का जैसा माहौल दिखता था, कोई उसे शौर्य दिवस मनाता था, कोई उसे काला दिवस मनाता था। तो ऐसे में इतनी बड़े मकसद को लेकर के जिन लोगों ने संघर्ष किया, अब 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है, तो ऐसे में सिक्योरिटी के पर्पज से भी ये बड़ा अहम हो जाता है कि किसी तरीके की ऐसी अनहोनी ना हो, इसके एहतियातन पुलिस व्यवस्था और सिक्योरिटी व्यवस्था को लेकर के भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले से दिशा निर्देशन देते हुए आ रहे हैं। आज जो है अंतिम समीक्षा बैठक करेंगे इस बाबत की तैयारियां सीएम योगी के द्वारा की जा रही है। और अगर हम बात करें जिस तरीके से कल यानी कि प्राण प्रतिष्ठा का पूजन कार्यक्रम कल से शुरू हो जाएगा, तो कल का जो नजारा होगा कुछ और ही वहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम अभी की बात करें, क्या कुछ तैयारियां हो चुकी हैं, क्या कुछ तैयारियां होनी बाकी है, और जिस तरीके से कल के नजारे कल की बात करें, तो कल से ये कार्यक्रम यहां पर शुरुआत हो जाएगी इसकी। पंद्रह तारीख को अंतिम दिन है जो इनको तैयारियां करना है, 16 तारीख से पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी। पहले दौर में अगर देखा जाए तकरीबन 250 प्रकांड विद्वान पुजारी पंडित जो विद्वान होते हैं वो लोग इस पूजा को शुरुआत करेंगे और इस पूजा को अंतिम रूप देंगे। तो उसमें देखा जाए तो 16 तारीख की सुबह से ये पूजा अर्चना शुरू होगी, 15 तारीख कल तक वो सभी लोगों को पहुंचने का आदेश दे दिया गया। जो निमंत्रण पत्र दिया जाता है, निमंत्रण पत्र में उनको बता दिया गया है कि आपको किस पूजा में शामिल होना है, आपको कहां पे आकर के ठहरना है, और आप किन किन पूजा में शामिल होकर के किस तरीके से कितने दिन तक रहेंगे, पूरा स्ट्रक्चर बना लिया गया है ट्रस्ट के द्वारा। और जो है कल उनको पहुंच जाने के बाद परसों सुबह से ही जो 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होना है उसको लेकर के जो पहले सबसे पहले प्रायश्चित प्रकांड का वो वहां पे पूजा अर्चना होगा। एक पूजा होता है जो हम लोगों ने स्वराज एक्सप्रेस पे एक्सक्लूसिव वहां के एक पुजारी से जब हम लोगों ने बात किया तो उन्होंने कहा कि कभी भी जब इस तरीके की आयोजन होता है तो सबसे पहले हम प्रायश्चित पूजा करते हैं कि अगर हमसे कोई गलती हुई हो, अगर हमको हम अभी तक जितने भी अशुद्ध हैं, क्योंकि तमाम रास्ते से होकर के गुजरना पड़ता है, तमाम बोली भाषा प्रयोग करते हैं, तमाम ऐसी
कलयुग में की गतिविधियों में संलिप्त होते हैं, जो हम लोगों को नहीं पता होता कि हम लोग पाप कर रहे हैं कि पुण्य कर रहे हैं, तो ऐसे में हम लोग प्रायश्चित पूजा करते हैं तो ताकि हम लोग विशुद्ध हो जाए और उसके बाद पूजा अर्चना शुरू कर पाए। तो 16 तारीख शुरू हो, कल भी नजदीक है और 16 तारीख यानी कि परसों से कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है और आम जनता में भी देखें तो कहीं ना कहीं उत्साह देखा जा रहा है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।